अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतरीन होंगे। अल्लाह ताला का करम फजल आप पे हमेशा रहे, आप अपने घर में खुश और आबाद रहें। आज का टॉपिक जो है दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इट्स आज का जो हम बातें करेंगे जिस बारे में, वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी जिनने मुझे हेल्प की एंड विच कैन हेल्प यू। द पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिनको मैंने खुद ही किया तो खुद ही समझ आई। द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच आई लर्न वॉज is to accept your feelings. जब तक आप अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते, आप मूव ऑन नहीं करेंगे। वो फीलिंग्स कुछ भी हो सकती हैं, वो डर हो सकता है, वो परेशानी हो सकती है, अकेलापन, बोर होना या कुछ भी। तो जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप डर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, या आप बोर हो रहे हैं, या आपको अकेलापन फील हो रहा है, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पर मूव नहीं करेंगे। इट्स ओके, डरे नहीं, प्लीज़ एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हाँ, कि मैं डर रही हूँ या मुझे परेशानी हो रही है, हालात, चीज़ें मुझे परेशान कर रहे हैं, लोग मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, टेंस कर रही है, उसके बारे में आप सोचें, गिव इट अ थॉट। ये मेरे साथ हुआ था। आई वॉज जस्ट सिटिंग अलोन वन डे और मैं बहुत रो रही थी, एंड आई वॉज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मैंने जब सोचा कि नहीं, आई एम, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, और ये आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाता है। इट कैन टेक यू टू अ वेरी वेरी डार्क प्लेस, और वहाँ अल्लाह करे कोई भी ना जाए, वो अच्छी जगह नहीं है। स्ट्रेस इट्सेल्फ इज़ सो बैड कि आप सोचिए, जिन लोगों को हैवी डिप्रेशन होता होगा उनका क्या हाल होता होगा। एक नॉर्मल स्ट्रेस आपको इतना तोड़ देता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इमेजिन द लेवल ऑफ दिस डिप्रेशन, हाउ इट विल बी। सो द सेकेंड थिंग्स इज ऑलवेज शिफ्ट योर एक्सपेक्टेशंस। मैंने ये सीखा है, आप जब एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं ना कुछ लोगों से, तो वो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। वो चाहे कोई भी हो, आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हों, इन लॉज हों, कोई भी हों, एक्सपेक्टेशंस आपको मरवाती हैं, हमेशा मरवाती हैं। एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी आधी ज़िंदगी के जो मसले हैं ना, वो एक्सपेक्टेशंस छोड़ने से ख़त्म हो जाएंगे। मेरे साथ ये हुआ था कि आई डोंट नो, आई वॉज़ न्यू इन टू थिंग्स, या जो भी था, आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग अलॉट, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा कर रही थी या करती हूँ, तो मुझे एक्सपेक्टेशन होती हैं कि अगला बंदा भी उतना करेगा, या जबकि ये गलत है, मेरी अपनी गलती है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, इट्स माई फॉल्ट। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ, मुझे उससे करने में खुशी मिलती है, और मैं अपने लिए कर रही हूँ, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं रखें कि अगला बंदा भी वही करेगा। इस टाइम मुझे सिर्फ अपने जो है एक शख्स से एक्सपेक्टेशन है, वो मेरे हस्बैंड है, वो उनको मैं छोड़ूंगी नहीं, उनको तो मैं दबा के रखना है। तो जोक्स असाइड, तो एक्सपेक्टेशंस आर द थिंग दैट जो आपको बहुत बुरी तरह मरवाती हैं। तो प्लीज़ स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी वन। जिस दिन आप अपने एक्सपेक्टेशंस के लेवल को कम कर लेंगे ना, आप खुद चेंज महसूस करेंगे कि हाँ, वाकई मैं फजूल में, फालतू में एक्सपेक्ट कर रखे, दिमाग ख़राब किया हुआ था मैंने, ठीक है। उसके बाद आता है जी मोमेंट्स दैट रिलैक्स यू, मीन्स के आप ऐसी चीज़ें ढूंढें जो आपको रिलैक्स करती हैं, आपके माइंड को पीसफुल बनाती हैं। इन माय केस इट वाज बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड फिशेस। मैं मछलियों को दाना डालने जाती थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे कि ये उनको पता चल गया कि दिस इज़ व्हाट मेक्स हर हैप्पी, तो वो मुझे वहाँ रोज़ लेके जाते थे। और मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि उससे मेरे डिप्रेशन में बहुत फ़र्क पड़ा, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता था, मुझे खुशी मिलती थी। तो प्लीज़ आप भी कोई ऐसी चीज़ करें, आपको सनसेट देखना पसंद है, आप वो देखें, आप जो है बर्ड्स को दाना डाल सकते हैं, या बर्ड्स को उड़ता देखें, इतना अच्छा लगता है। विंडोज़ पे बैठते हैं, करते हैं, और यहाँ पे यूए में तो हर जगह बर्ड्स हैं। अभी भी यहाँ मैं जहाँ मैं रहती हूँ, इतने बर्ड्स आते हैं, कभी किचन की विंडो में, कभी दूसरे विंडो में, तो मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। इट्स वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड पीसफुल। तो आप कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करें जो आपको अच्छी लगती है, प्लांटिंग हो सकती है, सनसेट को देखना हो सकता है, नेचर हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग दैट दैट्स मेक्स यू हैप्पी, और आपको लगता है कि हाँ नहीं, इस चीज़ से मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, आप वो करें। म्यूज़िक सुनने से रिलैक्स होता है, म्यूज़िक सुने, ठीक है। आप कुरान सुनने से रिलैक्स होता है, कुरान सुने। इट्स अप टू यू, आपको जो चीज़ रिलैक्स करती है वो आप करें, ठीक है। इट्स योर टाइम एंड यू नो हाउ टू रिलैक्स योरसेल्फ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़। अब बहुत सारी औरतें हैं, या हम जो है टाइम नहीं होता, हम जा नहीं पाते, बच्चे होते हैं, घर, चीज़ें, तो हम वो नहीं कर पाते। इट्स ओके, आप एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप अपनी हॉबीज़ जो हैं आप अपने घर में कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, ये चीज़ मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता, आई लव डांसिंग, ये उनको पता है, बट
जो मैं करती थी कि आई यूज़ टू लॉक माई रूम, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो लॉक करके मैं रूम ईयरफोन्स लगा के और मैं गाना लगा के मैं नाचती थी। बहुत नाचा मैंने इस तरह उस जब मुझे गुस्सा आता था स्पेसिफिकली, तो उससे क्या हुआ कि मेरा अग्रेशन निकल जाता था, मेरे अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज बिल्डअप होती थी वो निकल जाती थी और मैं खुश होती थी। इट रियली मेड मी हैप्पी। मैंने बहुत नाचा हुआ है इस तरह से। तो आप ऐसा करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढें, एक्सरसाइज कर लें, निटिंग कर लें, कुछ भी कर लें। मुझे कलरिंग का शौक है जो हमेशा सबको होता है, मैं अभी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, स्टिल आई डू कलरिंग। मैंने कलरिंग बुक्स खरीदे, कलर पेंसिल्स, मार्कर, ग्लिटर पेंस दो कभी नहीं बोलते वो खरीदे मैंने। इससे मुझे खुशी मिलती है। आई डोंट केयर कोई क्या सोचता है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। इससे मुझे खुशी मिलती है, इट्स चेंजेस माई मूड, मुझे पॉजिटिव करती है चीज़, तो मैं ये चीज़ करूँगी ही करूँगी। आपको तकलीफ है आप साइड पे हो जाएं, ऐसा नहीं सोचें, ठीक है। अपनी चीज़ वो करें, ज़रूर करें जिससे आपको खुशी मिलती है। वो कलर करना है, वो गुब्बारे खरीदना है। आई स्टिल बाय बलून्स, लाइट बलून्स, हीलियम बलून्स, दे मेक मी हैप्पी, आई बाय इट। मेरे हस्बैंड को पता है फूलों से ज़्यादा मुझे गुब्बारे खुश करेंगे, वो मेरे लिए बलून्स लेके आते हैं। आई स्टिल हैव मिकी माउस बलून्स, ये लाइट बलून्स जहाँ भी जाते हैं वो मुझे लेके देना है। स्पेसिफिकली ये ग्लोबल विलेज लगेगा या कुछ होगा, मेरे हस्बैंड मुझे बलून्स लेके देंगे। ही नोज वॉट मेक्स मी हैप्पी। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बी हैप्पी, डू वॉट यू वॉन्ट। उसके बाद आता है जी प्रैक्टिस ग्राउंडिंग योर सेल्फ। इसमें सबसे ये बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने भी फॉलो किया था। इसमें है कि आपको ग्राउंड करना है, उन लोगों से डिस्टेंस करना है जो है टॉक्सिक लोग, ठीक है, जिनसे मिलके आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, या जिनकी बातें सुन के आपको डिस्टर्बेंस होता है, आप सोच में पड़ जाते हैं, आप टेंशन लेते हैं कि क्या है, मेरे इसके पास ये है तो मेरे पास, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, ठीक है। उन लोगों से मिलना छोड़ दें, उन लोगों से बातचीत करना छोड़ दें, एकदम छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 50,000 लोगों में से 20,000 या 25,000 या चले कह लें 40,000 लोग भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए आपको। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ना रखें प्लीज़। इट्स हाई टाइम कि आप, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल होने से अच्छा है कि आप 2-3 लोग ऐसे रखें जिनके साथ रह के आप खुश होते हैं, आप इंजॉय करते हैं, उनकी कंपनी इंजॉय करते हैं, दे मेक यू फील पॉजिटिव, दे मेक यू फील हैप्पी, एनर्जेटिक, इनलाइटन अप योर मूड, जिनके साथ आप चीज़ें शेयर करते हैं, आपको लगता है नो ही इज़ जेन्युइन या शी इज़ जेन्युइन, वो मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका। तो ये चीज़ें प्लीज़ आप फोकस किया करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो या कोई आपसे बात कर रहा हो, तो प्लीज़ फोकस ऑन देयर कम्युनिकेशन, कि वो किस लेवल में बात कर रहे हैं, लहजे में बात कर रहे हैं। आपको फीलिंग्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपके बारे में क्या फीलिंग रखता है, वो जेन्युइन है नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। प्लीज़ आप जो है ना इस चीज़ में बहुत करें, कभी कभी फ़ोन छोड़ दिया, इस तरह चीज़ें छोड़ दी, तो डिस्टेंस योर सेल्फ फ्राम दोज पीपल, ओनली कीप हैप्पी पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। बेशक एक बंदा क्यों ना हो, डजेंट मैटर, कोई नहीं भी है तो छोड़ दें। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, मैं आपको बताऊंगी अपना, कि मैं अपना बिल्कुल ख्याल रखना जो है ना वो मैंने छोड़ दिया था। ना मैं खाना खा रही थी, ना मैं लंच, ना ब्रेकफास्ट का होश नहीं है, लंच का होश नहीं है, एक वक्त खाना मिल गया तो वो खा लिया, दो वक्त का बना लिया तो वो खा लिया, लाइक दैट। ना फ्रूट्स खा रहे हैं, ना नट्स खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये आपको और वीक करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू योर टू योर सेल्फ। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आप उठें, अपना नाश्ता इंजॉय करें, जो आपको पसंद है वो बनाएं, खाएं, अंडा टोस्ट पसंद है, फ्रेंच टोस्ट पसंद है, चाय इंजॉय करें अपनी, लेकिन प्लीज़ इंजॉय करें, नाश्ता करें, रेस्ट लें, सोएं। आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो काम पे चले जाते हैं या कुछ है, थोड़ा टाइम 2-3 घंटे निकालें, आपकी नींद पूरी नहीं हुई दोपहर में सो जाएं, लेकिन प्लीज़ रेस्ट अपनी बॉडी को ज़रूर दें। उससे आपका दिमाग भी रेस्ट में रहेगा, रिलैक्स रहेंगे, आप बेहतर सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। जब माइंड एंड बॉडी थके होंगे तो आप क्या करेंगे अपने लिए। फिर जो आता है हाइड्रेशन हो गया, आपने पानी बहुत पीना है, मैंने पानी पीना छोड़ दिया था बीच में, लिटरली लाइक मैं दिन में एक ग्लास पीती थी, किस दिन तो पीती नहीं थी लिटरली, कैन यू इमेजिन। उससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपको। मैंने पानी जब ज़्यादा पीना शुरू किया, आई फेल्ट माई बॉडी बेटर, और एनर्जी भी आपकी रहती है आपकी बॉडी में, वेरी वेरी ऑनेस्टली। उसके साथ जो है आप सप्लीमेंट्स लें, औरतों को बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनको पता भी नहीं होता और वो कामों में लगी रहती हैं, चीज़ों में लगी रहती हैं, काम, घर, घर के काम, बच्चे। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आपको कुछ फील होता है, लो फील हो रहा है, कुछ है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, नॉर्मल GP के पास भी जाएँ, एक दो ब्लड टेस्ट कराएँ, आपका पता चलेगा आपको,
यहाँ पे हम क्योंकि अपार्टमेंट्स की लाइफ है, अंदर रहते हैं, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी इज द मोस्ट डेफिशिएंसी दैट्स इन वुमेन, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपना जो है वो ऑफिस जाते हैं तो अपना लंच साथ लेके जाया कर, उसमें फ्रूट्स चीज़ें ज़रूर शामिल करें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी सोच पे, आपकी बॉडी अच्छी होगी, थकी नहीं होगी, एनर्जी होगी, तो आप जाहिर है यू विल बी एक्टिव, यू विल डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी ऑल्सो। अगर आप थके हारे होंगे तो आप क्या करेंगे दिन में, आप मुश्किल से एक खाना बना लेंगे, बच्चों का ध्यान रख लेंगे, अपना कहाँ से फिर आपके पास टाइम होगा। तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अपने आप को हमेशा पहले रखें। आप अपना ख्याल रखेंगी तो अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख सकती हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, तबाह बर्बाद होकर अपनी सेहत को करके तो मैंने सीखा है, तो लेकिन सीख लिया है मैंने। उसके बाद आता है जी फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज एंड नॉट कंट्रोल। आप हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको छोड़ें, उसको भाड़ में जाने दें, लेट इट बी, वो जो भी है उसको छोड़ें। आप उस चीज़ पे फोकस करें जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप में क्या चेंजेस ला सकते हैं, आप मूड चेंज कर सकते हैं अपना, किस तरह खुश रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, ऐसी चीज़ें या इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको सिर्फ पॉजिटिव रखें, तो उस चीज़ पे फोकस करें। जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, कंट्रोल में ही नहीं है, तो उस पे फोकस करके अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं, या क्यों उस पे फजूल में हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते हैं। यू नो, मैंने बहुत ऐसे किया है, सिचुएशन चीज़ें घर के हालात वो कंट्रोल नहीं होते थे और मैं समझती थी कि ये हो सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेस लिया है मैंने कि आई वेंट टू सच अ बैड प्लेस, और उसके बाद मेरा इतना मुझे उसका असर हुआ, आप सोच नहीं सकते, कि आई गॉट सच अ बैड डिजीज विच वॉज एसिड रिफ्लक्स, और वो मुझे आप 6 महीने लगे मुझे उससे रिकवर होने में, और उसने मुझे ऐसे मेरी हालत कर दी थी जैसे मैं कोई कब्र से निकला हुआ ढांचा होता है लिटरली। और मेरी उन चीज़ों के बारे में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, एंड मेरी तस्वीर जब गई मेरी मामा को तो माय पेरेंट्स स्टार्टेड क्राइंग कि हमारी बेटी को क्या हो गया। दे डिडंट न्यू दैट आई वाज गोइंग थ्रू दीज थिंग्स, नॉर आई वांटेड टू टेल माय पेरेंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी शादी होगी, आप इतने मेच्योर इनफ तो होते हैं कि आप चीज़ें हैंडल करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माई हस्बैंड वॉज विद मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, एंड ऑफकोर्स देर आर सर्टन थिंग्स वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट ही इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन, ही मेड मी बेटर। इसके बाद आता है कम्युनिकेट केयरफुली, ठीक है। आप अपने बातचीत पे बहुत ध्यान रखें। आप कोई कॉन्वर्सेशन में हैं, अगर आपको लग रहा है कोई नेगेटिव बात कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दें, आप उठ के साइड पे हो जाएं, ठीक है। आप अगर नेगेटिवली आंसर करते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे आपके अपने माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ आपके दिमाग में बार बार आती है कि हाई उसने ऐसे कह दिया, मैंने ये कह दिया, ऐसा नहीं करें। कुछ कोई कह भी रहा है ना, उठ के आराम से साइड पे हो जाएं, उस बंदे से मिलना ही छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव ही बातें करता है, पॉजिटिविटी नहीं करता, उससे साइड पे हो जाएं, ठीक है। इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट्स फॉर योर ओन बेटरमेंट और आपकी अपनी हेल्थ के लिए, एंड हेल्थ ऑलवेज हैज़ टू कम फर्स्ट। There is no option. For me, it's the only thing that now health is first. Baki sab cheeze jaye baar mein. And people, please learn to say no. It's okay. Koi aapko maar ke nahi phenk dega. Koi aapko kuch nahi karega. Na bajaye iske ke aap kisi ko bole haan, nahi, theek hai, main ye kar dungi, aisa nahi kare. आपको कोई चीज़ नहीं करनी, बोले मैं नहीं करूँगी, ठीक है, अनलेस इट्स रॉन्ग या राइट। अगर वो कोई चीज़ ठीक है, झगड़ा नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे झगड़ा होता है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। लेकिन अगर कोई चीज़ है जो आपको लग रही है कि नहीं मैं नहीं करना चाहती या मैं नहीं कर सकती, डोंट डू इट प्लीज़। आप ना कह सकते हैं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। लर्न टू से नो, इट्स फाइन, इट्स ओके, और अपने इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिविटी रखें। आप अपनी एनर्जी को जो है अच्छी चीज़ों में स्पेंड करें, पॉजिटिविटी लाएं, वो चीज़ें करें दैट व्हाट मेक्स यू हैप्पी। मेरे लिए मिकी माउस मेक्स मी हैप्पी, मेरी तो गार्बेज बिन भी मिकी माउस है। आई बाय क्लोथ्स दैट हैज़ मिकी माउस ऑन इट, आई एम गोइंग टू बाय बैग ऑल्सो, आई बाय शूज, वट एवर आई वॉन्ट आई विल डू इट। तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस से निकाल सकती हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करें, वर्क करें, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू बाई योर ओन सेल्फ। कोई आके आपको इससे नहीं निकालने वाला, आपको खुद ही इससे निकलना है। तो जितनी जल्दी आप रियलाइज़ करेंगे, समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आ सकते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, गलतियाँ करना इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर कोई आपको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं, नोबडी, नॉट एवरीवन हैज़ टू लाइक यू, ओके। जो खूबसूरती होती है, द स्ट्रेंथ होती है, वो हमारे अंदर होती है, उसको बस जानने की देर होती है। यू ऑल आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर, डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनीवन और एनीथिंग। आई होप यू लाइक माई व्लॉग टुडे एंड इट हेल्प मेनी पीपल, आई होप इट विल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी नई चीज़ों के साथ, बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।